नमस्कार, वेलकम। आर संतोष शर्मा, मेरी किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र बारे में। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र जो होता है इस रूल बाय सन, सूर्य को रूल करते हैं, पुरुष का स्वभाव किस प्रकार का होता है। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं ये वेरी आर्टिस्टिक एंड लविंग, पहली बात तो कलात्मक रुचि उनकी होती है और बहुत प्यार से लोगों से पेश आते हैं। इनके वर्ड्स वगैरह बहुत मधुर होते हैं, दे यूज वेरी स्वीट वर्ड्स, स्वीट वॉइस, और दे आर वेरी एफिशिएंट नो मैटर व्हाट दे डू, अच्छी बातें हैं। और अपने जिंदगी में विदाउट मच एडो, विदाउट मच मटेरियल थिंग्स अराउंड देम, दे कैन बी वेरी हैप्पी। मतलब छोटे मोटे तरीके से जिंदगी जिए तब भी अपने खुश रहते हैं। और इनकी जो मेमोरी होती है बड़ी शार्प होती है, दे आर इंटेलिजेंस ऑफ वेरी हाई ऑर्डर, आईक्यू बहुत हाई होता है इनका। दे वेरी जेनरस, वेरी पोलाइट इनका स्वभाव होता है, और वेरी लर्नड एंड नॉलेजेबल कह सकते हैं, इनको ज्ञान के पास काफी रहता है। बहुत लॉयल भी है, सिंसियर भी है, हेल्पफुल भी है, और बड़े ट्रूथफुल भी होते हैं, बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं। कितने सारे अच्छे गुण आप देख रहे हैं, क्योंकि इनका जो नक्षत्र का लॉर्ड सूर्य भी है उसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। और ये डिपेंडेबल, यू कैन डिपेंड ऑन देम बिकॉज आपको धोखा नहीं देंगे। ये रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड जनरली दे लीड अ वेरी ब्लिसफुल मैरिड लाइफ, बहुत अच्छी बात है। जो लड़कियां होती हैं उत्तर फाल्गुन नक्षत्र की, वो किस प्रकार की होती है। ये जो लड़कियां होती हैं दे आर वेरी प्योर, प्योरिटी इन थॉट्स एंड हार्ट, ट्रूनेस, जेनरस, दयालु स्वभाव की होती है, एंड यू कैन से दैट देयर एम्बोडीमेंट ऑफ पीस एंड ब्लिस, मतलब शांति और नैसर्गिक जो ब्यूटी होती है या जो सोच होता है उस प्रकार की ये बालकिन होती है, बहुत अच्छी बात है। एंड व्हेवर दे गो दे स्प्रेड द जॉय अराउंड, जहां जाती है तो खुशियों का भंडार, लोग स्वागत करते हैं, लोग बुलाते हैं आइए हमारे घर में आइए, क्योंकि वो जहां भी जाती है तो पॉजिटिविटी को बिखेरती है, नेगेटिविटी नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनका एक प्रॉब्लम ये है कि यदि उनको कोई गलती दिखाई पड़ जाए, एनीथिंग हैपनिंग रॉन्ग अराउंड, जैसे कहीं घर में रहती है, बाहर में पड़ोसी कूड़े डाल रहे हैं, या कोई घर आवाज कर रहा है, या समाज में कुछ गलत चीजें हो रही हैं, सो देयर बिजी वोसिफेरस इसका पूरा वो विरोध करती है, और उसके लिए देखकर बोल रहे नहीं एक्सटेंड टू फाइट। ये भी उनका एक आदत होती है, ये भी उनका एक नेचर होता है। दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, अपना जो भी कहना चाहते हैं, उनकी बातें कहना चाहते हैं, उसको प्रकाश करने में इनको पूरी एबिलिटी होती है। इफ दे वांट टू राइट दे कैन बी वेरी गुड राइटर, दे कैन गेट इनटू द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, रिसर्च कर सकती है, टीचर बन सकती है, जर्नलिज्म कर सकती है, टीवी एंकर बन सकती है, ये सभी चीजों में इनको अच्छा फायदा होता है। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, यदि आप इस नक्षत्र के हैं या कुछ आपको दिक्कतें हैं, परेशानी है, आप कुछ परामर्श चाहती हैं, सलाह चाहती हैं, ज्योतिष सलाह चाहती हैं, रुद्राक्ष जपों का खरीदना चाहती हैं, तो हमारे वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं www.whitelotusspiritual.com। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।